देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में एक बार फिर सिलीगुड़ी पुर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। गुरुवार को पुर निगम के वार्ड नंबर 36 में एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ज्ञात हो कि सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 36 के पाइपलाइन से सटे इलाके में अवैध रूप से एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया। यह बहुमंजिला इमारत में एक प्ले स्कूल था, हालांकि घर के मालिक को केवल निर्माण करने की अनुमति थी। दो मंजिल मकान मालिक ने चौथी मंजिल का निर्माण अवैध रूप से कर लिया। पुर निगम द्वारा बार बार नोटिस भेजने के बाद गुरुवार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया। पुर निगम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। गौरतलब है कि बहुमंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था, उसके बाद भी मकान मालिक ने निर्माण शुरू कर दिया था, इसलिए इस दिन अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। प्रिय स्थिति से बचने के लिए वहां पर भारी संख्या में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के आशीघर आउटपोस्टर से बड़े पैमाने में पुलिस प्रशासन मौजूद था।